अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीनियर अलजबरा। स्टूडेंट, लीनियर अलजबरा में आज हमने टॉपिक को डिस्कस करना है, उसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट देखा, हमने ये देखा कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट उसकी 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस लिए थे इनर प्रोडक्ट के। और आज हम इनर प्रोडक्ट से आगे बढ़ते हुए इनर प्रोडक्ट स्पेस की तरफ आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस? लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड डिफाइंड ऑन F. F is either real or complex. यानी कि स्टूडेंट, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसकी जो फील्ड है वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। देन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट का स्टूडेंट सैम्पल क्या था ये? लेट्स सपोज, अगर हम इसको स्टूडेंट वी एन एफ कह देते हैं, ठीक है, तो एन स्टैंड्स फॉर एन एन टर्म तक के टपल्स हैं, ठीक हो गया। तो देन द इनर प्रोडक्ट वी क्रॉस वी, जो कि फील्ड से लिए जाएंगे, बिलोंग्स टू एफ। देन इनर प्रोडक्ट वी क्रॉस वी एफ गोज टू एफ डिफाइंड ऑन वेक्टर स्पेस F, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट, कंडीशन हमें जो है वेक्टर स्पेस की एक कंडीशन दे दी जाएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है स्टूडेंट, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करना है। लेट वी एन एफ बी आ वेक्टर स्पेस एंड डिफाइंड ऑन F. F is a real or complex, then inner product का स्टूडेंट ये सिंबल है, V cross V goes to F, defined on V and F, satisfy the following condition. अब स्टूडेंट, इनर प्रोडक्ट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब इनर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट, हमने बेसिकली 3 कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करानी हैं। अगर वो 3 कंडीशंस फुलफ़िल हो गई तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर, तो हम ये कहेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, देन अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा के लिया जाए तो आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि हमारे पास अल्फ़ा और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, वेन एवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। गौर कीजिए स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी आपने इनर प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी। याद करिए, इनर प्रोडक्ट में भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। स्टूडेंट एक और आपको बात बता दूँ, ये जो सैम्पल्स हैं आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी बेसिकली क्या है, इनर प्रोडक्ट का सैम्पल है। अगर आपको क्वेश्चन में या कहीं एग्ज़ाम में इस तरह से फॉर्मेट दिखे तो घबराइएगा नहीं, बिकॉज ये और ये एक ही बात है, ये इनर प्रोडक्ट के ही सैम्पल्स हैं, ठीक हो गया। वापस आते हैं स्टूडेंट इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी वही है ऑलमोस्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी का पहले तो नाम दे देते हैं हम, इसको कहेंगे नॉन, इसको आप याद इस तरह से कीजिएगा, नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी आपको साउंड भी हो रहा है, बिकॉज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, नॉन नेगेटिविटी। नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसका भी नाम पहले देख लेते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री भी स्टूडेंट आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। वो क्या थी स्टूडेंट? लेट्स सपोज आपके पास अल्फा
और बीटा वेक्टर्स का एक सेट है जो एन टपल्स पर मौजूद होगा। एन टपल्स का मतलब टू टपल्स में, थ्री में, अप टू सो ऑन एन टपल्स तक। तो अल्फा बीटा आपने स्टूडेंट वेक्टर से लिए, तो इसकी जो कंडीशन है स्टूडेंट, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? बीटा अल्फा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। ये है प्रॉपर्टी नंबर टू, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी नंबर थ्री स्टूडेंट ये है लीनियरिटी। प्रॉपर्टी नंबर थ्री हमारी क्या कहलवाएगी? लीनियरिटी। अब इसमें क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा और गैमा आपने वी वेक्टर से ले लिए और साथ में ए और बी स्केलर्स हैं जो कि आपने फील्ड से ले लिए। तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री हमें ये कहेगी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट लिया जाए गामा के साथ, तो आंसर हमें मिले ए इंटू अल्फा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ प्लस बी अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा फंक्शन के साथ। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन है और उसको हमने क्या प्रूफ करवाना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ कराना है, तो अगर वो इन थ्री कंडीशंस को फुलफिल कर जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक हो गया। एक और बात स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, यहाँ हमने इस प्रॉपर्टी में, ये जो प्रॉपर्टी नंबर टू है, यहाँ पर जो हमने फील्ड ली है वो कॉम्प्लेक्स ली है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, बिकॉज कॉन्जुगेट है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो फील्ड है वो रियल नंबर पर डिफाइन हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ, जो कि इक्वल आएगा बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के साथ, यानी कि कॉन्जुगेट का साइन हट जाएगा। तो ये डिफरेंस रहेगा एक, तो ये बात। दूसरा स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह से लिखें तो आप ये कहेंगे कि ये दिस इज़ द इनर प्रोडक्ट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा लेट्स सपोज अल्फा ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन तक का है, इसी तरह से जो बीटा है बी वन बी टू अप टू सो ऑन बी एन, यानी कि ये कोई भी वेक्टर्स हैं एन टपल्स में। तो हमने इस टर्म को क्या बोलना है स्टूडेंट, इनर प्रोडक्ट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अगर मैं इस तरह से सैंपल लिखूं। तो दूसरी ये बात स्टूडेंट कि अगर फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, ऐसा वेक्टर स्पेस जिसकी फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो, और उसको जब हम इन थ्री प्रॉपर्टीज का यूज़ करवाते हुए इनर प्रोडक्ट स्पेस जब बताएंगे कि ये है या नहीं है, तो उस केस में जब हमारे पास फील्ड कॉम्प्लेक्स हो तो हम उसको बोलेंगे यूक्लिडियन इनर स्पेस। क्या बोलेंगे? यूक्लिडियन इनर स्पेस जब आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। ये एक तरह का रिजल्ट है, डेफिनेशन समझ लीजिए इसको। अगर हमारे पास फील्ड रियल नंबर की हो तो हम इसको कहेंगे यूनिटरी स्पेस, ठीक हो गया, यूनिटरी इनर स्पेस, ठीक हो गई स्टूडेंट बात। तो अब इसके स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस से रेलिवेंट। तो चलिए वन बाय वन हम स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, शो दैट वी एन सी, यानी कि एक वेक्टर स्पेस है जो कि डिफाइंड की गई है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, इज़ एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन। अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है बाय डेफिनेशन डिफाइन किस पर की है, कि एक अल्फा है वेक्टर, बीटा वेक्टर है और गामा एक वेक्टर है, जो कि कहाँ से लिया गया है, वी एन, जिसकी जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो डिफाइंड किस तरह से किया गया है कि अल्फा और बीटा का स्टूडेंट जो इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह से है, तो आप इसको स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट कंडीशन दी हुई है, बेसिकली हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी थ्री प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कराना है। इसमें जो एक जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये होगा कि इस कंडीशन के मुताबिक रहते हुए हमें हर क्वेश्चन को परफॉर्म करना होगा प्रॉपर्टीज़ को। ये अभी जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपको मज़ीद समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो हमें ये बताना है कि ये जो वी एन सी है, शो दैट, शो करके दिखाना है कि ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो स्टूडेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास टोटल थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, नॉन
नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी में हमने स्टूडेंट क्या कहा था, देखिए अल्फा और बीटा ठीक हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी बात हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्या शो की थी कि यस अल्फा और अल्फा था, और दूसरी बात हमने ये कही थी कि अल्फा और अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, वेन एवर अल्फा ज़ीरो के इक्वल होगा तब। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये अल्फा बीटा और गामा गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टी वन थी, अल्फा हमारे पास है ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन, बीटा स्टूडेंट हमारे पास है बी वन बी टू अप टू सो ऑन बी एन, और गामा हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है सी वन सी टू अप टू सो ऑन सी एन। और साथ में यहाँ अपने प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अल्फ़ा बीटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने लेने हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर वन में अल्फा और अल्फा का स्टूडेंट जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फा वन कोमा अल्फा टू अप टू सो ऑन अल्फा एन, और दूसरा स्टूडेंट क्या होगा, सॉरी ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन। और जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट, ए वन ए वन का मॉड प्लस ए टू बाय डेफिनेशन ऑफ दिस कंडीशन, तो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे हम, ए टू ए टू इसी तरह से मॉड और प्लस प्लस ए एन और ए एन का। और आप जानते हैं कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक हो गया, अप टू सो ऑन प्लस ए एन और इसके ऊपर भी मोड। जी स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मॉडुलस है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए वन का जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो भी ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा होगा, इसी तरह से ए टू का मॉडुलस, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह से स्टूडेंट हमने इनर प्रोडक्ट की बात की थी, इसी तरह से अप टू सो ऑन ए एन का जो मॉडुलस है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि ए वन भी ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो होगा, इसी तरह ए टू ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा होगा, और ए एन तक जब हम आएंगे तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास कंडीशन के मुताबिक ये ए वन ए टू ए एन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बेसिकली अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा का जो इनर प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा का अल्फ़ा से जो इनर प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो होगा, बिकॉज तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका जो आंसर है ए वन ए टू और ए एन वो भी ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ा है, तो चाहे आप उसका समेशन भी कर लें, उसका स्क्वायर भी ले लें, तो भी वो ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। तो ये पहला केस हो गया स्टूडेंट। दूसरा, अल्फ़ा का अल्फ़ा से इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लेंगे स्टूडेंट। तो ये देखिए, अल्फ़ा और अल्फ़ा का जो हमने इनर प्रोडक्ट लिया वो है दिस इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू मेडुलस का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन के मेडुलस का स्क्वायर। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये कंडीशन हमने क्या शो करके दिखाना कि अल्फ़ा ज़ीरो के इक्वल है, वो कब हो सकता है स्टूडेंट, या तो ए वन का मेडुलस क्या हो, सिर्फ ज़ीरो हो, यानी कि मेडुलस का स्क्वायर, इसी तरह से ए टू ए टू के मेडुलस का स्क्वायर भी ज़ीरो के इक्वल हो, अप टू सो ऑन ए एन के मेडुलस का स्क्वायर भी ज़ीरो के इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या है कि ए वन भी ज़ीरो है, ए टू भी ज़ीरो है, और ए एन तक वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन बेसिकली क्या है, ये अल्फ़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टूडेंट कंडीशन फुलफ़िल हो गई। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, मैं रिपीट कर दूँ स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा का अल्फ़ा से जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो दिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनर प्रोडक्ट हुआ। अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मेडुलस का स्क्वायर हुआ अप टू सो ऑन। तो ये अल्फ़ा का अल्फ़ा के जो इनर प्रोडक्ट है वो हमने क्या शो करके दिखाना है, ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा हो। डेफिनेटली जो मेडुलस है
वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज स्क्वायर भी साथ है. आप मेडुलस की बात करते हैं, मेडुलस भी हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना होता है, ठीक है. तो वो ऑलरेडी स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लें और उसके ऊपर या तो स्क्वायर डाल दें तो वो पॉजिटिव वैल्यूज देगा. तो इसी तरह से हमने इस बिहाब पर कहा कि कंप्लीट जो अल्फा ओ का अल्फा से इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो रहेगा. और दूसरे केस में हमने इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन में था कि अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा कब, जब अल्फा जीरो के इक्वल आए तो. तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी अल्फा का, ये फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी. फर्स्ट कंडीशन को लेकर चले स्टूडेंट और सेकंड कंडीशन बनानी है इसमें, ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट लिखा स्टूडेंट, ठीक हो गया. तो अब ये जो मॉड्यूलस हैं स्टूडेंट, ये टोटल एक्सप्रेशन हमने क्या करके दिखाना है, ज़ीरो करके दिखाना है. तो ज़ीरो करके दिखाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि इसके जो मॉड्यूलस के जो स्क्वायर्स हैं वो वन बाय वन ज़ीरो हों, क्योंकि सब के सब ज़ीरो होंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा. तो इसलिए हमने कहा कि ये अलग अलग क्या हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए वन भी ज़ीरो के इक्वल है, ए टू भी ज़ीरो के इक्वल है और ए एन भी ज़ीरो के इक्वल है. और ए वन ए टू ए एन क्या हैं, अल्फ़ा हैं और ये ज़ीरो के इक्वल हैं. तो ये हमने दूसरी कंडीशन फुलफ़िल कर ली. आप चाहें तो ये कुछ क्वेश्चंस कुछ बुक्स में क्या किया गया है, कन्वर्स भी दिखाया गया है कि अगर अल्फ़ा ज़ीरो है तो बताइए कि अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है. तो आप क्या करेंगे, रिवर्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर अल्फ़ा ज़ीरो है तो इसका मतलब है ए वन ज़ीरो, ए टू ज़ीरो और अप टू सो ऑन ए एन भी ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर भी ज़ीरो के इक्वल है. अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है इसका समीशन भी ज़ीरो के इक्वल है. तो हमने कह अल्टीमेट हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे कि अल्फ़ा का अल्फ़ा से इनर प्रोडक्ट भी ज़ीरो है. तो ये स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है सिमिट्री की, कॉन्जुगेट सिमिट्री. कॉन्जुगेट सिमिट्री में स्टूडेंट हमने कॉन्जुगेट सिमिट्री ये सेकंड कंडीशन थी, मैं रेज कर चुका हूँ स्टूडेंट. अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा से लिया जाए तो वो बीटा और अल्फा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा. तो स्टूडेंट यहाँ से हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसको लेफ्ट बनाकर दिखाएंगे. तो बीटा और अल्फ़ा का स्टूडेंट इनर प्रोडक्ट है, तो मैं ज़रा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ बीटा और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट बी वन ए वन बार, ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म अब अल्फ़ा है, प्लस बी टू ए टू बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन ए एन बार. नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट दिखाना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोथ साइड्स ले लेंगे, बी वन ए वन बार प्लस बी टू ए टू बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन ए एन बार. और ये कंप्लीट के ऊपर स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, बार ले लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को सॉल्व किया. नेक्स्ट स्टूडेंट ये बी वन बार, और यहाँ देखिए जब मैं अलग करता हूँ तो ए वन डबल बार जिस विच इज इक्वल टू ए वन. मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए वन प्लस बी टू बार ए टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन बार ए एन. और ये देखिए तो स्टूडेंट ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या, बल्कि चलिए इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, ए वन बी वन बार प्लस ए टू बी टू बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन बी एन बार. अब देखिए स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट के इक्वल है. तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर टू फुलफिल कर ली. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लीनियरिटी प्रॉपर्टी. क्लियर है स्टूडेंट ये स्टेप, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. लीनियरिटी प्रॉपर्टी में स्टूडेंट हमने ये कहा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा से लिया जाए और आंसर आए ए इंटू अल्फा का इनर प्रोडक्ट गामा से प्लस जी इंटू बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के इक्वल होगा. तो पहले स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन बना लेते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा. स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ए वन कॉमा ए टू अप टू सो ऑन ए एन प्लस बी. स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बी ही रहेगा और बीटा बी वन बी टू अप टू सो ऑन
बी एन, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं कि ए इंटू ए वन, और यहाँ से स्टूडेंट मैं इसका, चलिए पहले इस तरह से कर लेते हैं जी, प्लस ले लूँगा, प्लस का केस बी इंटू बी वन कॉमा, फिर ए इंटू ए टू प्लस बी इंटू बी टू प्लस अप टू सो ऑन ए इंटू ए एन प्लस बी इंटू बी एन आ जाएगा। मतलब ये स्टूडेंट हमारे पास शेप्स हैं, ठीक हो गया जी। ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ, तो स्टूडेंट गामा हमने लेट किया, बल्कि उसने दे रखा था सी वन सी टू अप टू सो ऑन सी एन तक का, तो इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो अब मैं स्टूडेंट ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और अप टू सो ऑन ये हमारे पास nth टर्म है। तो यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट और गामा का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन, ये देखिए स्टूडेंट ये कंडीशन बनेगी c1 बार, ठीक है ना, बिकॉज अब ये कंप्लीट एक वेक्टर बन चुका है। नेक्स्ट प्लस b इंटू बी वन जी, नेक्स्ट है a इंटू ए टू प्लस बी इंटू बी टू और c2 बार प्लस अप टू सो ऑन, स्टूडेंट ये हमारे पास लास्ट टर्म बनेगी, लास्ट टर्म a इंटू ए एन प्लस बी इंटू बी एन का जो इनर प्रोडक्ट है वो सी एन बार आएगा जी। स्टूडेंट अब देखिए हमें ये फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब राइट हैंड साइड पर हमें a इंटू अल्फा और गामा चाहिए। स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से मैं a को कॉमन लेता हूँ, बिकॉज मुझे कॉमन में a चाहिए, तो a को कॉमन लिया, ठीक है। तो ए को स्टूडेंट कॉमन लेने से ही देखिए ये जो हमारे पास जो टर्म है ए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स में से यानी कि हमने ए को कॉमन लिया तो अंदर क्या मिला, ए वन ए वन, और ये प्रोडक्ट में है सी वन बार। इसी तरह से प्लस नेक्स्ट देखिए तो आगे हमें क्या मिलेगा, ए टू सी टू बार प्लस सो ऑन प्लस ए एन सी एन बार। स्टूडेंट ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए प्लस बी को स्टूडेंट, अगर ये सेकंड वाली टर्म्स में से मैं बी को कॉमन लेता हूँ, तो बी को कॉमन लेने से बी वन ये सी वन बार मल्टीप्लाई में है प्लस बी टू सी टू बार प्लस अप टू सो ऑन बी एन एंड सी एन बार, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए ए वैसे का वैसा, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा और गामा का इनर प्रोडक्ट। इसी तरह से प्लस बी सेम एज इट इज़, और इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट, क्लियर है। तो ये स्टूडेंट इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर थ्री हमारी फुलफिल हुई। तो हम इसका जो आंसर है वो देते हैं, हेंस वी एन जो कि डिफाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर पर इज़ एन इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इस कंडीशन को वन का नाम दे दें, तो हम यहाँ कहेंगे हेंस वी एन सी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड ऑन इक्वेशन वन, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन को फिलफिल किया और हमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई, बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू देखिए, शो दैट वी आर टू, यानी कि जिसकी जो फील्ड है वो रियल नंबर है और वेक्टर की जो डायमेंशन है वो टू डायमेंशन का है, इज़ एन आई पी एस इनर प्रोडक्ट स्पेस, हमने शो करके दिखाना है जो कि डिफाइन किया गया है किसके ऊपर, अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है स्टूडेंट थ्री ए वन बी वन प्लस टू ए टू बी टू पर, और अल्फा किसके इक्वल है ए वन ए टू बी वन बी टू, इसी तरह से बीटा। तो अब स्टूडेंट हमने जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो थ्री कंडीशंस को फिलफिल कराना है, अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये है, ठीक है। इस कंडीशन पर हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं, अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट ज़ीरो से ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट में ही अल्फा का अल्फा से जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो को इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा ज़ीरो के इक्वल हो। अब स्टूडेंट हमने
क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी सोल्व करनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी को हम शो करेंगे, इनर प्रोडक्ट अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस कंडीशन में हमने क्या करना है, अब ये अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, अब हमारे इस केस में बीटा नहीं है अल्फा है, इट मींस कि मुझे क्या करना है, बी वन की जगह पर भी ए वन ही लिखना है, ठीक हो गई बात, ये है स्टूडेंट कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग रहते हुए सोल्व करना जी। 3a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट। तो अब हमने क्या शो करके दिखाना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा हो, यानी कि नॉन नेगेटिव ना हो। तो देखिए स्टूडेंट, डेफिनेटली a1 का स्क्वायर जीरो से बड़ा या जीरो ही होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज a1 कोई भी नेगेटिव एलिमेंट ले लो और उसका जब स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि a2 का जो स्क्वायर है वो भी जीरो और जीरो से बड़ा होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा का अल्फा से जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अल्फा का अल्फा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। तो अगर स्टूडेंट देखिए, ये जीरो के इक्वल कब होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ अल्फा का अल्फा से जो इनर प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट ये आया है अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये जीरो कब हो सकता है, कब होगा, देखिए जब a1 का स्क्वायर जो है वो भी जीरो हो और इसी तरह से a2 का जो स्क्वायर है वो भी जीरो हो, अगर ये दोनों जीरो होते हैं तो ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 भी जीरो होना चाहिए और a2 भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर जीरो है इसका मतलब क्या, वो एलिमेंट खुद क्या होगा, जीरो होगा। और a1 और a2 स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली है क्या, अल्फा है ना, बिकॉज अल्फा की कंडीशन पे क्या डिफाइन किया है, a1 और a2। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा आल्सो विल इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी पर जाते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। तो सिमेट्री में हमें इसी कंडीशन में रहते हुए बेसिकली सॉल्व करना है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी वो डिफाइंड पर है। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी, आप कॉन्जुगेट सिमेट्री आप बोल दें या आप सिमेट्री बोल दें, बिकॉज ये रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट तो इसका लिया नहीं जाएगा, तो आप कॉन्जुगेट सिमेट्री भी लिख सकते हैं, बट हम यूज़ तो नहीं करेंगे, हमने इन जर्नल कहा कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री स्टूडेंट हमने एक्चुअल में आप क्या शो करके दिखाना है, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा अल्फा होगा, ये आपके पास बार हट जाएगा, ये बेसिकली प्रूव करके दिखाना है। जबकि देखिए गिवन में हमारे पास स्टूडेंट क्या है, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट 3a1b1 प्लस 2a2b2 है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इस तरह से लिख दूं, b1a1 प्लस 2b2a2, कोई एतराज़ तो नहीं जी स्टूडेंट। अब ये और कुछ नहीं तो गौर से देखिए, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ चुका है, बीटा और अल्फा के इनर प्रोडक्ट के, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया, इस वजह से क्या होगा, बीटा और अल्फा आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर हम जाते हैं, क्लियर है स्टूडेंट, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या कहती है, ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा से लिया जाए तो हमें क्या करना है, ए अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा हमने क्या करना है, बनाना है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए अल्फा प्लस बी बीटा को कैलकुलेट करता हूँ। तो ए अल्फा गिवन है a1, a2 प्लस बी गिवन है, बीटा गिवन है b1, b2। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे
और समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए ए वन, ठीक हो गया स्टूडेंट, आगे प्लस बी बी वन कॉमा, ठीक हो गया कॉमा, इसी तरह से ए ए टू प्लस बी बी टू, ठीक हो गया स्टूडेंट। देखिए किस तरह से किया, ए ने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था, देखिए ए ए वन, फिर मैं लिखता ए ए टू, फिर यहाँ ये साइन प्लस का था और नेक्स्ट हमारे पास था बी बी वन कॉमा बी बी टू। तो इन दोनों में जब हम समीशन करेंगे तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल सम होगा और दूसरा दूसरे में सम होगा, तो मैंने इस तरह से इसको डायरेक्ट लिखा। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास गामा, तो गामा के साथ हम जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ। तो यहाँ देखिए ज़रा स्टूडेंट, कंडीशन को भी निग्लेक्ट नहीं करना, कंडीशन हमारे पास ये है। अब यहाँ देखिए ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ थ्री फिक्स है, तो अल्फा ए वन बीटा बी वन, हमारे इस केस में ये पूरा का पूरा ये एक है, यानी कि ए वन समझ लें आप इसको, ठीक होगी बात को समझना ज़रा। और ये दूसरा एलिमेंट क्या है, बी टू है। तो अब अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं इस कंडीशन के मुताबिक तो हमें क्या मिलेगा, देखिए थ्री थ्री ए ए वन प्लस बी बी वन का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ, यानी कि सी वन, क्योंकि रियल फील्ड है तो सी वन बार नहीं लिख रहा मैं। इसी तरह से आगे आए तो प्लस टू प्लस टू, सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, ए ए टू प्लस बी बी टू एंड सी टू। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट आप लोगों को, मैंने क्या किया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट, तो पहला एलिमेंट, ठीक है, इनर प्रोडक्ट में क्या करते हैं आप, पहला और उस वहाँ से उसका दूसरा एलिमेंट लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये जो चीज़ मैंने बनाई ये पहला एलिमेंट है और गामा का ये दूसरा एलिमेंट है, और कंडीशन में ये है कि हमारे पास थ्री गिवन है, तो थ्री ए वन बी वन, बिकॉज ये फर्स्ट एलिमेंट, ये भी फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट किसका है, अल्फा का है, ये बी वन फर्स्ट एलिमेंट किसका है, बीटा का है। तो इसी तरह से ये फर्स्ट एलिमेंट किसका है, अल्फा ए इंटू अल्फा प्लस बी बीटा का है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, गामा का सी वन, और ये थ्री वैसे का वैसा। इसी तरह आगे बढ़े प्लस टू वैसे का वैसा, ए टू यानी कि अल्फा का सेकेंड एलिमेंट, हमारा इस वक्त अल्फा ये है पूरा, ये पूरा अल्फा है, तो अल्फा का सेकंड एलिमेंट ये लिखा। और यहाँ पर देखिए तो बीटा बी टू मतलब बीटा का सेकंड एलिमेंट, तो हमारा इस वक्त बीटा क्या है स्टूडेंट, गामा फंक्शन है, तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया। समझ में आ गई बात। अब ये कंडीशन स्टूडेंट, इस गिवन कंडीशन पर डिफाइंड पर हमने फुलफिल की, हमने क्या बनाना है, राइट हैंड साइड बनाना है। देखिए राइट हैंड साइड को गौर से देखिए, हमें ए को कॉमन लेना है, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ए को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए को जब मैं कॉमन लूँगा तो हमें अंदर क्या मिलेगा, थ्री ए वन, नेक्स्ट आगे प्लस थ्री ए वन सी वन, बिकॉज सी भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी तरह से प्लस टू, ठीक है ए तो कॉमन ले लिया, टू ए टू सी टू, क्लियर होगी बात। इसी तरह से प्लस नेक्स्ट कंडीशन में देखिए बी को कॉमन लेते हैं, अब ये वाली कंडीशन होगी, यहाँ से ये निग्लेक्ट कर दोगे। अब इस कंडीशन में जब बी को हम कॉमन लेते हैं तो थ्री मल्टीप्लाई में है, तो थ्री बी वन सी वन, इसी तरह से आगे देखिए तो प्लस टू टू, बी को कॉमन ले चुके हैं, बी टू सी टू बी टू सी टू, ये देखिए स्टूडेंट, और इसको भी देखिए, हमने कंडीशन को सेम रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं ए, ये इनर प्रोडक्ट किसके बीच में है स्टूडेंट, ए का मतलब क्या था, अल्फा, अल्फा और गामा का इनर प्रोडक्ट है यहाँ तक का, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड कंडीशन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो प्लस, यहाँ देखिए तो बीटा और ये गामा का इनर प्रोडक्ट है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। और अगर हमें सवाल में इसको, इस कंडीशन को इक्वेशन वन का नाम दूं या वन का नाम दे दूं, तो हम ये लिखेंगे हैंस हैंस गिवन वेक्टर स्पेस वी आर वी टू आर
इज इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड डिफाइंड ऑन इक्वेशन वन. जो इक्वेशन वन की कंडीशन डिफाइन की गई थी, हमने उसके अकॉर्डिंग इन थ्री प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर लिया है. तो इसका मतलब क्या कि गिवन वेक्टर स्पेस जो कि जिसकी फील्ड रियल नंबर थी, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस रखता है. ठीक होगी बात. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ. क्वेश्चन नंबर थ्री पर आएंगे स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें जो कंडीशन दी गई है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि p एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका नाम है p ऑफ x, q एक फंक्शन है जिसका नाम है q ऑफ x, और ये दोनों के दोनों p एंड x से लिए गए हैं. यानी कि पहले क्या करते थे, अल्फा बीटा बिलोंग करते थे लाइक दिस, ये फील्ड थी. अब फील्ड क्या है, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल हैं तो इनकी जो फील्ड है वो भी पॉलिनोमियल टाइप की होगी, तो वो पॉलिनोमियल टाइप की फील्ड से लिए गए हैं. और डिफाइंड करना है इनर प्रोडक्ट, जो डिफाइंड किया गया है वो ये है स्टूडेंट. हमने अब जो काम करना है वो इसके अकॉर्डिंग काम करना है, जो प्रॉपर्टीज फुलफिल करानी है, और साथ में ए नॉट लेस देन बी नॉट, यानी कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो लोअर, ये लोअर लिमिट को शो करेगा. बिकॉज लोअर लिमिट इसीलिए बोलते हैं कि वो स्मॉल होती है अपर से. और यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दी गई है, यानी कि जो फील्ड दी गई है वो रियल नंबर की दी गई है, तो शो दैट हमने इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस शो करके दिखाना है. तो अब स्टूडेंट, हमने अल्फा और बीटा के केस में कहा था फर्स्ट प्रॉपर्टी को कि अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो. ठीक हो गया. और साथ में ये भी कहा कि अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ, या आप इसको ये सैंपल बना सकते हैं जब अल्फा जीरो के इक्वल हो. बट इस केस में हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, पी का, बिकॉज पहला फंक्शन हमारे पास पी डिफाइन है, तो पी का पी से इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और पी का पी से इनर प्रोडक्ट जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ, जब पी को जीरो के इक्वल करना होगा. ठीक है, ये कंपेयरिंग मैंने करके दिखाई. तो गिवन में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, देखिए गिवन में है पी क्यू का इनर प्रोडक्ट डिफाइंड जो है वो कुछ इस तरह से है, पी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. हमने इस कंडीशन को फिलफिल कराना है. तो देखिए अगर मैं रिप्लेस कर दूं क्यू को पी के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा स्टूडेंट, पी ऑफ एक्स डॉट पी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो मैं इसको स्टूडेंट इस तरह से लिख सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट पी ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स. और आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. यानी कि नो नेगेटिविटी की कंडीशन में क्या है कि स्क्वायर होने की वजह से ये नेगेटिव नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है कि पी का पी से इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा. और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, पी का पी से इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल कब होगा, तो देखिए पी का जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल हमने लाना है, और उस कंडीशन में हमने कहना है कि पी क्या है, ज़ीरो के इक्वल है. तो ये आंसर हमने स्टूडेंट लिया, ए नॉट बी नॉट पी स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. ठीक हो गया स्टूडेंट, इफ़ एंड ओनली इफ लगाया यहाँ पर. तो इसको हमने क्या करके दिखाना है, ज़ीरो. तो ये कैसे ज़ीरो होगा, डेफिनेटली जब इसका जो स्क्वायर है वो ज़ीरो हो. अगर किसी पॉलिनोमियल का स्क्वायर ज़ीरो है, इट मींस कि वो पॉलिनोमियल ख़ुद क्या है, ज़ीरो है. और ये पी ऑफ एक्स किस पर डिफाइन है, क्यू पर, सॉरी पी पर. दिस इम्प्लाइज दैट पी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा. क्लियर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी पर आएंगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी. ये नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मैंने मेंशन नहीं किया नेम. ठीक हो गया. सिमेट्री प्रॉपर्टी में स्टूडेंट हमने क्या करके दिखाना होता है, रियल नंबर के केस में अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आता है बीटा और अल्फा के. ठीक है,
और गिवन में देखिए हमारे पास अब क्या है, गिवन गिवन है स्टूडेंट पी क्यू का इनर प्रोडक्ट ए नॉट बी नॉट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट अब यहां देखिए, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए ए नॉट बी नॉट क्यू ऑफ एक्स को पहले लिख दूं और पी ऑफ एक्स को बाद में लिख दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट की शेप में है। आप 2×5 करें या 5×2 करें तो आंसर तो सेम ही रहेगा। इसी तरह से पॉलिनोमियल फंक्शंस को भी हम, ये नंबर्स के केस में था तो पॉलिनोमियल फंक्शन पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये और कुछ नहीं तो बाय डेफिनेशन जो डिफाइंड कंडीशन में था स्टूडेंट, ये क्या होगा, क्यू और पी का इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल कर गई स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी की तरफ। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर आते हैं, थर्ड लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास थी ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा इंटू गामा, इस तरह से था स्टूडेंट। तो ए इंटू अल्फा गामा प्लस बी बीटा इनर प्रोडक्ट गामा। तो अब हमारे इस केस में तो स्टूडेंट पी क्यू है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा, तो हमारे हम लेट कर लेते हैं जी आर जो है वो आर ऑफ एक्स है, ठीक है, पी क्या था पी ऑफ एक्स, क्यू क्या था क्यू ऑफ एक्स और आर क्या है आर ऑफ एक्स। और इस केस में हमें दो स्केलर्स भी तो चाहिए, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इसकी जो स्पेस है फील्ड है वो पॉलिनोमियल है, तो पी ओ पी एन एक्स से हमने स्केलर भी ले लिए। ठीक हो गया, तो हमारे इस केस में हमने अब क्या करना है स्टूडेंट, ए पी प्लस बी क्यू का इनर प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, आर के साथ, ठीक हो गया, और जो के इक्वल आएगा ए पी, ठीक है, पी आर के इनर प्रोडक्ट से, इसी तरह से प्लस बी क्यू और आर के इनर प्रोडक्ट के। ये स्टूडेंट मैंने कंपेयर करके बताया कंडीशन के मुताबिक, ठीक हो गई ना बात। यहाँ गामा था तो गामा तो हमारे पास कंडीशन में डिफाइंड नहीं है, तो हमने गामा आर ले लिया, आर क्या है आर ऑफ एक्स है। तो इस कंडीशन के मुताबिक देखिए, अल्फा गामा था हमारा पी और आर आ जाएगा, बीटा और गामा था हमारा क्यू और आर आ जाएगा। ये हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक हो गई बात स्टूडेंट। अब पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या था ए पी। तो ए पी स्टूडेंट ये हमारे पास इस कंडीशन के मुताबिक आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, ए पी पी क्या है हमारे पास पी ऑफ एक्स प्लस बी क्यू क्या है क्यू ऑफ एक्स है। तो ये स्टूडेंट हमने क्या बना ली, ये कंडीशन को बना लिया। चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए पी ऑफ एक्स प्लस बी क्यू ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट हमने बना ली कंडीशन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट लेना है आर के साथ। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए पी प्लस बी क्यू इंटू आर, आर वट इज़ आर, आर इज़ आर ऑफ एक्स। और ये कंडीशन जो डिफाइंड कंडीशन है उस पर फुलफिल भी करवानी है स्टूडेंट। तो हम किस तरह से लिखेंगे, ए नॉट बी नॉट ए पी ऑफ एक्स प्लस बी क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटू आर ऑफ एक्स। ठीक हो गई स्टूडेंट, एंड डी ऑफ एक्स। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी इस फंक्शन के ऊपर, बिकॉज ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड था, पी क्यू था, यानी कि पहला पी और क्यू मल्टीप्लाई की शेप में थे। अब हमारा जो पहला जो पी है वो ये है, पूरा का पूरा ये पी है, ठीक है, और दूसरा क्यू था, अब इस केस पे हमारा क्या है आर है। बात समझ में आई स्टूडेंट। तो देखिए हमने ये फिलफिल करानी है ये कंडीशन। तो ए को बाहर लिखा स्टूडेंट, और ए नॉट बी नॉट पी ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट, तो आर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, सिमिलरली प्लस
तो बी को बाहर लिखेंगे, ए नॉट बी नॉट क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। जी डिफाइंड कंडीशन पर देखिए स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, ये देखिए पी और क्यू, पी क्यू था हमारा, पी और आर आया तो पी और आर का इनर प्रोडक्ट है ये, प्लस बी और यहाँ पर देखिए क्यू और आर है तो इसका मतलब है ये क्यू और आर का इनर प्रोडक्ट है। और ये कंडीशन स्टूडेंट हमने इस तरह से फुलफिल कर ली जो मैंने यहाँ कंपेयर में आपको बताई थी। और अगर मैं इस कंडीशन को इक्वेशन वन का नाम दूँ तो आप ये कहेंगे कि गिवन गिवन पी एंड एक्स ठीक है इज़ द इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड ऑन इक्वेशन वन ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो कंडीशन होगी हमने तीन प्रॉपर्टीज़ को उसी कंडीशन में रहते हुए फुलफिल कराना है, बात समझ में आई। इसी तरह से जब हमने टॉपिक वेक्टर स्पेस का किया था तो वेक्टर स्पेस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं को जो डिफाइंड कर दिए जाते हैं, और जो हमने 10 प्रॉपर्टीज़ की बात की थी जिसमें हमने बात की इबेलियन ग्रुप की, इबेलियन ग्रुप जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता था, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था और इस तरह के मज़ीद आगे कॉमोटेटिव ला था, उसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी क्वेश्चंस वेक्टर स्पेस के भी, अगर कंडीशन दे दी जाती है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को फिलफिल कराना था। इसी तरह से जब हमने वेक्टर स्पेस के बाद सब स्पेस पढ़ा कि उसका सब स्पेस है या नहीं है, तो सब स्पेस में भी आई थिंक सब स्पेस का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, चलिए वो सब स्पेस आपके कोर्स में नहीं था। तो उसके बाद जब हमने इनर प्रोडक्ट की बात की तो इनर प्रोडक्ट में भी जब हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइंड करना है तो डिफाइंड कंडीशन पर ही रहते हुए हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल करानी है। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।